उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इसकी घोषणा की। आदित्यनाथ ने ये बात साहिबजादा दिवस के अवसर पर अपने आवास पर आयोजित एक गुरुबानी कीर्तन में कही, जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह और उनकी माता गुजरी के 4 साहिबजादे पुत्रों की शहादत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को डिबेट आयोजित करनी चाहिए और इस दिन को इस तरह से मनाया जाना चाहिए कि लोग इससे प्रेरणा ले सकें और साहिबजादा दिवस असली बाल दिवस बन सकता है। भगवा पगड़ी बांधने वाले आदित्यनाथ ने कहा है कि सिख गुरुओं को इतिहास पाठ्यक्रम का वो एक हिस्सा होगा। इसके अलावा सभी स्कूलों में 27 दिसंबर को हर साल साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। गुरु और माता के पुत्र जिन्होंने मातृभूमि, देश और धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इतिहास को भुला दिया जाए तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सिख समाज अपनी कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। सिख गुरुओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। देश हमेशा इसे याद रखेगा। यूपी सरकार ने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, सहयोगी और सिख समुदाय के लोग भी इस अवसर पर लंगर प्रसाद खाएं। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।